सर्दियाँ बहुत हैं और मैं आप लोगों का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो आदिमानव थे इन लोगों ने सबसे पहले आग की खोज ही क्यों की? क्यों, क्या आपने इसके पहले कभी सोचा है? अब इतनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं, काम धाम ज़्यादा है नहीं, तो ये हम इसी बारे में सोच रहे थे कि यार इन लोगों ने सबसे पहले आग की खोज क्यों करी थी। तो आप समझ गए होंगे इन लोगों ने आग की खोज क्यों करी थी, क्योंकि जब जाड़ा लगता है, सर्द लगती है, कोई आसपास दूसरा कोई उपाय दिखता नहीं है, तो उन लोगों ने भी, उनके दिमाग में भी आया होगा और उन लोगों ने आग की खोज की। और बैठे बैठे हमने भी आज एक खोज की है जो आप लोगों को दिखाते हैं और बना के दिखाते हैं क्या है, तो आइए देखते हैं। हमारी खोज की प्रारंभ शुरुआत होती है सबसे पहले सरिया, लोहे की जो सरिया होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए, करीब 1.25 फुट की सरिया काटिए। और उसके बाद ये टीना लीजिए जो किराने की दुकान से आसानी से मिल जाएगा, उसमें इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ छेद करिए ताकि सरिया इसमें आरोम पार घुस जाए। वाह, ठीक है। उसके बाद जो है इन सरियाओं को, इन लोहे की रॉड जो है इनको जो है इसके पीपा के अंदर, ड्रम के अंदर, क्या बोलते हैं इसको यार, केन, जो भी बोलते हो आप, इसमें जो है ऐसे बढ़िया से फिट करिए कि सारी सरिया इसमें आ जाए, ज़्यादा जगह ना बचे। ओके, सारी सरियाएं घुस गई हैं। ओके, अब माटी का व्यवस्था करते हैं। और माटी लेने हम लोग खेत आए हैं और इस पन्नी में माटी इकट्ठा करते हैं, बढ़िया कचीला माटी भरते हैं। चलो खेत में भरते हैं, खेत की माटी, हाँ खेत ही की है। और बढ़िया से भर के हमने जो सरिया लगाई थी उसमें इस डिब्बे के दोनों तरफ जो है ज़्यादा गैप हो गया था, इसलिए हम इसमें पहले बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं ताकि मिट्टी जब हम इसमें चारों तरफ लगाएं तो मिट्टी जो नीचे ना गिरे। और आप जो है मिट्टी को बढ़िया से लगाते हैं चारों तरफ और इसको एक बढ़िया सा आकार देते हैं। तो अब बनकर तैयार हो गई है ये हमारी अंगीठी नुमा यंत्र, आग जलाने वाला, जो बिल्कुल जैसा बना पाया वैसा है, बिल्कुल क्या बोलना इसमें। और इधर राखी निकालने वाला सिस्टम है। और आप जो है इस जो दरवाज़ा हमने बना रखा है इसमें आप लोहे की रॉड लगा के इसमें पंखा वगैरह कुछ भी बांध सकते हैं, जो आप बांध पाएँ, जो भी जुगाड़ हो। वैसे मैं इसमें एक छोटी सी मोटर बांधने वाला हूँ जो कि हवा देती रहे ताकि धुआं कम निकले। और इस तरह की मोटर आप ले लीजिए जो कि 25 से 30 रुपए में मिलेगी। और इसको आप जैसे हो सके इस जगह पे बांध जरूर दें ताकि जब भी आप इसमें कुछ जलाएं, आग, लकड़ी, कोयला, जो भी, तो धुआं कम निकले, फूकना ना पड़े फुकनी से। तो अब हम इसमें लकड़ी भी भर दिए हैं और इसको जो है जलाने का प्रयास करते हैं और जलाते हैं, देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स है। और ये ऐसे तो जलेगी नहीं, सबसे पहले इसमें कागज़ पन्नी या जैसे भी करके इसको जलाते हैं। और ये चलो इसमें जला हुआ मोबियल डाल देते हैं और उसके बाद इसको जलाते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है, ये धुआं फेंकेगी कि नहीं फेंकेगी पंखे की वजह से, या फिर सक्सेस है मेरा ये इन्वेंशन कि नहीं। तो ये कागज़ में रख के अब जो है आग लगाई जा रही है। पेट्रोल डाला रहे ना हम।
अभी ये हल्का हल्का धुआं फेंक रही है क्योंकि नीचे मैंने पंखा जो है चालू नहीं किया है और मैंने जो रॉड लगाई थी उससे पंखा जो है सही से लग नहीं पाया था, तो मैंने दूसरा जुगाड़ लगाया। और अब देखिए जो है आग बिल्कुल तैयार हो चुकी है और नीचे पंखा भी चल रहा है, जिसकी वजह से आग पकने के बाद, यानी कहने का मतलब इस ये जो अंगीठी हमने बनाई है इसमें लकड़ी आप अगर जलाएंगे तो थोड़ा हल्का फुल्का धुआं मारेगी, और अगर आप इसमें कोयला जलाएंगे पत्थर वाला या जो भी कोयला लगाएंगे और उसके बाद नीचे मोटर लगा देंगे हवा देने के लिए, तो ये बिल्कुल भी धुआं नहीं फेंकेगी और हीटर से भी अच्छा काम करेगी। तो ये हमारी जो है आग अच्छे से तैयार हो चुकी है, इसमें नो धुआँ नो प्रदूषण और ऑर्गेनिक आग जो है ये बन चुकी है। और जब भी ये आग कम पड़ जाए इसमें थोड़ा बहुत लकड़ी और डाल दीजिए, और नीचे ये देखिए हमारा पंखा जो है चल रहा हुआ है, तो इसकी वजह से हमें फूकना नहीं पड़ता है और लौ बहुत ज़ोर से निकलती है लेकिन धुआं नहीं निकलता है इस पंखे की वजह से। तो ये है पंखा जिसे मैंने ऐसे सेट किया था, वो उसमें रॉड में सेट नहीं हो पाया था, तो ये इसको ऐसे रख दीजिए और इसको आप ऑपरेट करिए और देखिए कितनी अच्छी आग जो है तैयार हो चुकी है। तो खैर कहने का मतलब तो यही है कि जब ठंड लगती है तो दिमाग की बत्ती जल जाती है, और ऐसा नहीं है कि आप मुझे इस तरह का बातें बोलें कि यार हीटर लेना चाहिए या ले लेना चाहिए था या जो भी हो। तो हीटर मैंने लिया था लेकिन उसका रिस्पांस भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हीटर इलेक्ट्रिक की इतनी ज़्यादा खपत करता है कि बिना इलेक्ट्रिक से वो चल ही नहीं सकता है। हालांकि मेरे पास इन्वर्टर वगैरह सब कुछ है और मुझे ठंड, अभी बाई चांस मैं सोच लीजिए मैं गाड़ी चला के अभी आया हूँ मोटरसाइकिल, और मुझे ठंड अभी लग रही है, अभी तापना है और लाइट आएगी पता नहीं कब आएगी। तो ये जो हमारा सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 100-150 रुपए में ये बन जाता है, और जब जी करे जब आपको ठंड लगे तब आप आराम से तापिए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो खैर आदिमानों ने भी इसी ठंड से बचने के लिए उन्होंने सबसे पहले आग की ही खोज की है, तो आप भी चाहें तो इसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, और इसे आप बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।